नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज मोदी उपनाम विवाद में गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को आज खारिज कर दिया है और इसके साथ ही राहुल गांधी को मिली 2 वर्ष की सजा भी बरकरार रहेगी। यानी कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता पुनः लागू होने को लेकर के जो बातें चल रही थी उस पर आज कोर्ट के इस फैसले से राहुल गांधी के लिए एक बड़ा झटका है। दरअसल राहुल गांधी को इस मामले में पहले ही निचली अदालत से सजा मिली थी और उसी सजा को चुनौती देने के लिए राहुल गांधी की ओर से गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और इस मामले में पहले ग्रीष्मकालीन अवकाश के पूर्व सुनवाई हुई थी। हालांकि उस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि आपकी याचिका के ऊपर सुनवाई अब ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद होगी। तो आज सुबह 11 बजे हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई और इस मामले पर पूरे देश की नज़र थी, क्योंकि अगर गुजरात हाई कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलती तो इसका मतलब था कि कांग्रेस नेता की संसद सदस्यता एक बार फिर से बहाल हो जाती। उन्हें इस मामले में यानी कि मोदी उपनाम विवाद, जिसमें राहुल गांधी ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार में कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मोदी उपनाम वाले लोग चोर होते हैं। दरअसल उनका निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर था और उन्होंने इसी बहाने देश से बाहर गए कई ऐसे व्यवसायी जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और वे देश से हजारों करोड़ के खेराफेरी के बाद फरार हो गए थे, जिसमें नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे नाम थे। उनका उदाहरण देते हुए कहा था कि मोदी नाम वाले लोग चोर होते हैं और इसी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एक मोदी नाम वाले व्यक्ति ने गुजरात में एक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। सूरत की अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा सुनाई, जिसके बाद उनकी संसद की सदस्यता चली गई और इस वीक को लेकर के राहुल गांधी की ओर से उसे गुजरात हाईकोर्ट में यह चुनौती दी गई थी। लेकिन आज गुजरात हाईकोर्ट से भी राहुल गांधी को अब बड़ा झटका लगा है और इसके साथ ही राहुल गांधी के संसद सदस्यता बहाल होने को लेकर के जो बातें कांग्रेस की ओर से चल रही थी उस पर भी एक तरीके से कहा जाए तो कोर्ट की ओर से ये बड़ा झटका है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अब कहा गया है कि ये भले ही हाई कोर्ट की ओर से उन्हें झटका लगा हो, लेकिन अब वह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में अब फिर से याचिका दायर होगी। यानी कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता रहेगी या जाएगी, इस पर अंतिम निर्णय के लिए अब कांग्रेस अपने अंतिम अस्त्र के रूप में सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में अब राहुल गांधी को झटका ये कहें कि राहुल गांधी के पक्ष में फैसला नहीं देती है तो इसका मतलब होगा कि राहुल गांधी के लिए जो संसद से जाने का फैसला है वह भी बरकरार रहेगा और वे 2 साल की जेल की सजा भी भोगेंगे।